दोस्तों, जैसा मैं पिछले क्लास में बताया था आप लोग को कि पीसीसी कैसे करना है, वो नेचुरल सोयल पर। आज मैं आपको बताऊंगा पीसीसी अगर लूज सोयल है या फिलिंग वाला सोयल है तो कैसे करना है। तो पहले जानिए कि फिलिंग वाला सोयल आता कैसे है और होता क्या है। तो जब लैंड परचेज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कई वीडियो में मैं बताया हूँ कि हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है। तो जो क्लाइंट कंस्ट्रक्शन करवाएगा वो अपना एरिया को, अपना लैंड को फ्लड लेवल से ऊपर रखेगा, नियरेस्ट रोड लेवल से ऊपर रखेगा। और अगर वो लैंड नीचे है, रोड जो है अभी उसे नीचे है तो उससे ऊपर करेगा, तो उसको फिलिंग करना पड़ता है। वो कंट्रैक्ट जब देता है तो कंट्रैक्ट देने में होता क्या है, कंट्रैक्टर को बोला जाता है जिसको फिलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो कंट्रैक्टर को बोला जाता है कि आप इस लैंड को फिलिंग करेंगे या कंपैक्शन भी करेंगे। होता भी है, काम ख़त्म हो जाता है सभी चीज़ करके। तो लास्टली होता क्या है कि अब लैंड फिलिंग हो गया तो अवार्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन के लिए। आर्किटेक्ट तय होता है, डिजाइनर तय होता है, वो लैंड का कंपैक्शन का डाटा भी है, वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिल कर दिया, कंपैक्शन कर दिया तो ठीक है। और आप एग्जीक्यूशन करने के लिए जाते हैं तो जो ड्राइंग में एक्सकैवेशन लेवल दिया हुआ है उसमें नेचुरल ग्राउंड लेवल हो सकता है नहीं लिखा रहा है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल लिखा रहा है। मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर तो बैक फिलिंग किया ना, तो वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल हो सकता है लिखा रहे थे। एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से जो एक्सकैवेशन लेवल में आप धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो वहाँ पर आने के बाद सोयल टेस्ट करवा लीजिए। अगर स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, चिमनी है, ब्रिज है, या जो भी बड़ा भारी या वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर है, टर्बाइन का है, फैन का है, तो वहाँ आपको करवाना है प्लेट लोड टेस्ट करवा दीजिए, मॉइस्चर टेस्ट करवा लीजिए, ड्राई डेंसिटी का जो होता है वो OMC देख लीजिए कितना है। सभी चीज़ दो चीज़ हो सकता है कि सभी चीज़ ठीक हो सकता है। सभी चीज़ ठीक कब होगा, जब कंट्रेक्टर अच्छा से कंपेक्शन किया होगा या बहुत दिन पहले बैक फिलिंग हुआ होगा, तो सभी चीज़ ठीक मिलेगा। दूसरा चीज़ हो सकता है कि देखेंगे कि वो तो लूज सोयल है, इजली एक्सकैवेट कर सकते हैं, देखने से पता चल जाएगा लूज सोयल है। थोड़ा तो आपको हायर अथॉरिटी को बताना पड़ेगा चीज़ कि सोयल लूज सोयल है, अभी क्या करना है। तो जिस समय लैंड लिया जाता है और फिल करवाया जाता है तो उस समय होता क्या है कि ये देखता है कि लैंड में फिलिंग में पैसा तो अधिक नहीं लगेगा, ये क्लाइंट देखता है। तो जनरली जो लूज सोयल है जो फिलिंग करवाता है वो 2 से 3 मीटर 4 मीटर ही रहेगा। और मान लीजिए कि आपका एक्सकैवेशन लेवल स्ट्रक्चर का 2 मीटर है, लूज सोयल आ गया और स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है उसमें, तो मेरा सजेशन क्या कही कि किसी भी इंजीनियर का सजेशन, इवन क्लाइंट भी ये सजेस्ट करेगा कि बाकी का जो 2 मीटर है नेचुरल ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए उसको भी एक्सकैवेट कर दीजिए और नेचुरल ग्राउंड लेवल से पीसीसी उठाइए। तो आप तो बोलेंगे कि भाई पीसीसी वहाँ तो अगर 4 मीटर फिलिंग है तो 4 मीटर को हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है, आपने कंपैक्शन ठीक से नहीं किया, लूज सोयल ही छोड़ दिया, अब लेयर बाय लेयर कंपैक्शन भी नहीं हो सकता है, तो ये तो एक समस्या है, पैसा लग जाता है। तो उसमें क्या है कि पीसीसी जो होता है वो मास कंक्रीट उसमें बड़ा बड़ा बोल्डर डाल के या लीन कंक्रीट करके उस लेवल तक ले आते हैं, नहीं तो आप हैवी स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर आपका गिर जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और ये जो लैंड फिलिंग वाला बात है, क्लाइंट कंसल्टेंट को भी बताता है कि लैंड फिलिंग करवाया है तो वो भी अपना रिपोर्ट वगैरह मंगाता है फाउंडेशन डिजाइन करने को पहले, SBC रिपोर्ट हर एरिया को मंगाता है, तो उसको भी मालूम हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर ब्रिज यहाँ बनने वाला है,
टीजी यहाँ बनने वाला है, चिमनी यहाँ बनने वाला है, खास करके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वहाँ का वो मंगाएगा सोयल रिपोर्ट। अगर उसको लाया है कि नहीं यहाँ कंपैक्शन नहीं हुआ है तो डिज़ाइन में बहुत सारा उलटफेर करता है, चेंजेस करता है डिज़ाइन में। और अगर सब चीज़ नॉर्मल भी रहेगा तो भी वो डिज़ाइन में कुछ क्राइटेरिया है जिसको एडॉप्ट कराएगा। अगर फीलिंग सो रहे तो कई सारा क्राइटेरिया होता है, जैसे देखिए मैं आपको स्केच करके बताता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है, ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई स्ट्रक्चर उसका फाउंडेशन बना रहे हैं तो वो फाउंडेशन का जो नीचे राफ्ट होता है, जस्ट मैं तेजी से ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे ये आपका राफ्ट हो गया, ये आप देख रहे होंगे दो राफ्ट हो गया। तो इस राफ्ट को क्या है कि यहाँ जोड़ देता है, यहाँ एक राफ्ट के लेवल में एक टाइबीम दे दिया, देखिए ऐसा टाइबीम दे दिया, ठीक है। कोई आर्किटेक्ट क्या करेगा कि राफ्ट के लेवल में टाइबीम नहीं देके जो कॉलम निकल रहा है राफ्ट में उसमें टाइबीम दे देगा। तो सावधानी करता है ताकि डिस्प्लेसमेंट राफ्ट का लूज होने के कारण इधर से उधर नहीं हो। अगर आपका इसका डेंसिटी मिल भी जाता है सोयल का यहाँ पर, तो पर भी ये आपको करके देगा। तो जहाँ लूज सोयल है, अगर कंपैक्शन मिल गया, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, कंपैक्शन किया है, सब चीज़ मिल गया, डाटा सब चीज़ ठीक ठाक है, अगर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं तो राफ्ट लेवल या कॉलम के लेवल पर टाइपिंग डाल के दिया है और आपको ड्राइंग देगा। अगर सभी डाटा ठीक है सोयल का, फिलिंग वाले सोयल का, और कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, हैवी स्ट्रक्चर, हैवी इक्विपमेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, तो डिज़ाइनर अपने डिजाइन में बहुत सारा प्रोविजन करके देगा, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन ये आता है कि अगर आप एक्सकैवेशन करते हैं और लूज सोयल मिलता है, अब तो बैक फिलिंग तो हो गया, एक बार बैक फिलिंग हो गया लेकिन सोयल मिल रहा है लूज सोयल, तो क्या करेंगे आप? लूज सोयल मिल रहा है तो अगर बैक फिलिंग का लेवल एक्सकैवेशन के लेवल से 1-2 मीटर नीचे तक है, मतलब ऊपर से 2 मीटर एक्सकैवेशन है, उसके बाद 2 मीटर या 1.5 मीटर और बैक फिलिंग है, तो लूज सोयल को हटा के नेचुरल सोयल पर पहुँचिए और वहाँ से आपको स्टार्ट करना है पीसीसी। लेकिन उस केस में पीसीसी का थिकनेस बढ़ेगा तो थिकनेस नहीं होगा, वो पीसीसी नहीं होगा, वो मास कंक्रीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, साथ साथ एक आप लोग को सजेशन देना चाहते हैं कि अपना गुरु जो बनाइए, नहीं तो मिसगाइडेड हो जाइएगा। और दूसरा कि जो आपका गुरु है, कोई जरूरी नहीं कि आपका गुरु आपका मेंटर जो है सो आपसे अधिक इंटेलिजेंट हो। वो आपको ये बताएगा कि अपने एक्सपीरियंस है कि आप में कमी क्या है, सुधारना कैसे है, सही रास्ता क्या है, ठीक है। जैसे विवेकानंद का गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। चंद्रगुप्त का, उसके भी पहले जाइए, कौटिल्य थे चाणक्य। नया भारत में रामनाथ आचार्य, सचिन तेंदुलकर का गुरु सचिन का। रामनाथ जी तो कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट खेले नहीं, मतलब रणजी वगैरह तो शायद खेले कि नहीं खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट तो कभी नहीं खेले, लेकिन देखिए चला कैसा है। देखिए स्टार्ट करना है शून्य से, है ना, शून्य से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम लोग बोलेगा करें यार तुमको बिजनेस करना है, इतना रुपया लगेगा, इतना करोड़ रुपया लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अगर रामनाथ जी ये बोलते सचिन तेंदुलकर को, अरे तुमको बड़ा खिलाड़ी बनाना है, तुम पहले 20-25 सेंचुरी मार के आओ तब हम बनाएंगे। और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बोलता है, यार तुमको एक विद्वान बनाना है, तुम पहले अमेरिका में 20 हिंदू सम्मेलन को संबोधित करके आ जाओ,
चाणक्य बोलते हैं कि तुमको चंद्रगुप्त को भी तुमको बहुत बड़ा सम्राट तुमको बनना है, तो तुम पहले जो है तो मगध का सम्राट बन जाओ उसके बाद मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता है, उस शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। गुरु नहीं मिले तो आप एकलव्य बन जाइए। एकलव्य मीन्स क्या है? अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, फिजिकल गुरु, और एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य, वर्चुअल गुरु। ये जानिए कि आपका गुरु क्या बता रहा है छुप छुप कर। YouTube पर देखिए, बात कीजिए मेंटर से, बात कीजिए छुप छुप के, बात कीजिए, देखिए, अब वर्चुअल गुरु बना लीजिए। गुरु के बिना सक्सेस नहीं है। GET और DET का जो सिस्टम है, बड़ा बड़ा कंपनी जो कैंपस लेती है डिप्लोमा को, DET डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए भेजती है, क्या एक साल के लिए ट्रेनिंग के लिए रखती है, आपको गुरु के पास भेजती है सीखने के लिए। संदर्भ दूसरा हो जाता है, लोग सीख नहीं पाता है, अलग बात है। बड़ी कंपनी में व्यवस्था है, L&T में है, टाटा में है, सब व्यवस्था है, आपको शाहपुर जी में है लर्निंग की व्यवस्था है, लेकिन बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि वहाँ पर भी कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए सिखाने का। लेकिन है इस तरह से सिस्टम है कि एक साल में बहुत कुछ आप सीख जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, सबको मिल नहीं पाता है। तो गुरु का, गुरु को तलाशिए, अगर गुरु नहीं मिलता है तो रोल मॉडल एकलव्य द्रोणाचार्य, वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन जीरो से शुरू कीजिए और समय बर्बाद नहीं कीजिए, जब जगह हुए तो कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है भारत में, वो सामाजिक व्यवस्था में परिवार को चलाने का जिम्मेवारी लड़कों के ऊपर ही है, जेंट्स के ऊपर है, मेल के ऊपर है। अगर आपका परिवार में कुछ होता है तो समाज आप ही से पूछेंगे कि क्या भाई क्या हुआ, कितना कमाते हो। सामाजिक व्यवस्था है, और करीब करीब मेरे को लगता है कि 99% कंट्री में ये व्यवस्था है। कुछ जनजाति को छोड़ दीजिए, सभी जगह ये व्यवस्था है। औरत कितना कमाती है, लेडी आपकी वाइफ कितना कमाती है, और सिस्टर कितना कमाती है, मैंने नहीं रखेगा, भले ही वो आपसे अधिक कमाए, लेकिन आप कितना कमाते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एकदम लग जाइए, खाली नहीं बैठिए, हर दिन जीरो से शुरू कीजिए। अगर समय है तो सोचिए कि इसमें आप क्या करें, क्या सीखें कि आप इनकम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हर आदमी को तो जॉब नहीं मिल जाता है, जॉब क्या करने का है। अगर आप सक्षम है तो 10 आदमी को जॉब दे सकते हैं, नेता है तो भी व्यवस्था नहीं है कि जॉब करके रिटायर हो तो पेंशन मिलेगा। तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है आज के लाइफ में, इसीलिए गुरु बनाइए और अपना चैतन्य रहिए। चैतन्य मीन्स आपका जो पांचों इंद्री है उसको खोल के रखिए। अगर गर्मी है बाहर में तो आपको गर्मी लगना चाहिए, ठीक है ना, कान है तो कान से सुनाई देना चाहिए। तो चैतन्य रहिए, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलना है, चैतन्य मतलब आप पूरा जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उसको एक्टिव रखिए ताकि आसपास क्या हो रहा है पता चले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज मॉर्निंग में मैं आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड किया, आप लोग को लग रहा होगा सूरज का रोशनी मेरे चेहरे पर आ रहा है, चाय पिया और अब मैं अपना जा रहा हूँ डेली का काम करने, नहाने, उसके बाद भगवान का पूजा, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।